ज्ञान के लिए सबसे पहले चीज है कि मैंने अभी तक जाना नहीं, मुझे आगे जानने का है, जिसके ऊपर सब बड़े बड़े शास्त्रों में सब बड़े बड़े साधु संतों ने लिखा हुआ। रामदास स्वामी को आप उठाइए तो उन्होंने साफ लिख दिया कि पढ़ पढ़ करके कुछ नहीं होने वाला। हमारे कबीरदास जी ने तो साफ लिख दिया कि पढ़ी पढ़ी मूरख पंडित मूरख भय, साफ साफ लिख दिया उन्होंने। और कितनी ही बातें इन साधु संतों ने इतनी साफ लिखी हुई है कि बड़ा आश्चर्य होता है कि हम उनको ही पढ़ के उन्होंने जिस चीज को मना किया है वही कैसे करते। अब उसका कारण मैं आपसे बताऊंगी कि क्यों ऐसा हो जाता है और इसके कारण कैसे हमारा जो धर्म है वो किसी तरह से अधर्म में ही परिवर्तित हो जाता है। अब कुंडलिनी शक्ति जो है ये है शुद्ध इच्छा, ये है शुद्ध इच्छा, माने बाकी जितनी भी इच्छाएं हैं अशुद्ध हैं। क्योंकि अगर वो अशुद्ध नहीं होती तो एक चीज मिलने पर दूसरी चीज मिलने की इच्छा ना होती। हमारे जो इकोनॉमिक्स के लॉज हैं, अर्थशास्त्र के जो लॉज हैं, उसके अनुसार कोई सी भी ज़रूरतें सर्वसाधारण तरह से पूरी नहीं होती, क्षमित नहीं होती हैं। माने ये कि इन जनरल दे कैनॉट बी सेटिस्फाइड, इन जनरल इसका मतलब ये है कि आपको एक चीज़ मिल जाएगी इन पर्टिकुलर, लेकिन अगर वो चीज़ मिलने के बाद आप चाहेंगे कि दूसरी चीज़ मिले, फिर तीसरी चीज़ मिले। इसकी वजह यह है कि आपके अंदर शुद्ध इच्छा नहीं है। जिस इच्छा की आप बहुत कोशिश करते हैं कि पूरी हो जाए, वो इच्छा शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध इच्छा। तो शुद्ध इच्छा की जो शक्ति है वो ये कुंडलिनी है, जिसने सारा अपना ये पिंड बनाया और उसके बाद वैसी की वैसी बैठी हुई, क्योंकि वो अभी तक जागृति नहीं हुई, हमारे अंदर उसका अभी पूरी तरह से प्रादुर्भाव नहीं हुआ, उसका मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ कि वो अपना असर दिखा। यही शुद्ध इच्छा हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई, जिसे हम लोग कुंडलिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3.5 कुंडलों में बैठी है। अब वो 3.5 में क्यों बैठी, उसका क्या गणित है वगैरह, उसके लिए आज अपने पास इतना समय नहीं है, लेकिन आप अगर मेरे कभी लेक्चर सुने तो उसमें विशद रूप से मैंने सब समझाया हुआ है। अब ये कुंडलिनी शक्ति है शुद्ध इच्छा। तो सर्वप्रथम शुद्ध इच्छा जो है वो हमारे अंदर जब उठती भी है तो हम क्या देखते हैं कि हमारे अंदर चक्रों से गुजरते वक्त वो चक्रों से अपने को अलिप्त रखते हुए पूरे तरह से उसको प्लावित करती है। और यही तार्किक दृष्टि से भी देखा जाए तो सही बात है कि जब एक पेड़ के अंदर उसके अंदर का रस, उसका सैप जब उठता है, अगर वो एक जगह कहीं भी चिपक जाए और किसी भी एक चीज़ में ख़त्म हो जाए तो वो पेड़ भी ख़त्म हो जाएगा और वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। उसी तरह से जब ये कुंडलिनी हमारे अंदर जागृत होती है और बढ़ने लग जाती है तो ये शुद्ध इच्छा बाकी की जो इच्छाएँ हैं उनको दूर हटाती जाती है। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा हमारा कार्यक्रम रहा कि जब हम धर्म की ओर मुड़े। पहले तो जब हम धर्म की ओर मुड़ते हैं या किसी भी चीज़ की ओर मुड़ते हैं तो पहले हमारा उनसे शारीरिक रिश्ता जुड़ जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि इससे शारीरिक या जड़ चीज़ें क्या मिल सकती, ये देखते हैं कि जैसे ही धर्म में लोग आ जाते हैं तो पहले देखते हैं कि भाई अपने कितने इससे फ़ायदे हो सकते हैं, इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। यहाँ तक कि लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा हो कि हम कुछ लोगों का पैसा ही मार लें, रुपया मार लें, ये कर लें, वो कर लें, और फिर धीरे 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 उसकी ऐसी चीज़ें बनती जाती हैं जो बिल्कुल घृणित और नर्क चीज जैसी हो। शरीर के और चित्त जाता है मनुष्य का, जब शरीर के और चित्त जाता है तो वो शुद्ध इच्छा में नहीं, सीधा हिसाब है कि शरीर में, फिर शरीर के कपड़े बदलिए, नाम बदलिए, दुनिया भर की चीज़ें करिए, इससे धर्म नहीं स्थापित हो सकता। इसलिए मनुष्य बहकता चला गया। फिर मनुष्य की जो दूसरी पकड़ आती जो कि बड़ी ज़बरदस्त है वो है मानसिक, माने बुद्धि पर। इस पे बड़े बड़े वितंडवादी हो गए, आप जानते हैं कि एक बड़े भारी ऐसे ही बुद्धिवादी ने कितना आदि शंकराचार्य को सताया था। हमेशा ये बुद्धिवादी लोग अपनी चिपक को नहीं समझते, इनको चिपक होती है जो इन्होंने पढ़ लिया। अगर किसी आदमी ने गीता पढ़ ली तो वो सोचता है कि मैं तो व्यास मुनि हो गया, कम से कम उनसे ज़्यादा नहीं हुआ तो कम से कम व्यास मुनि तो हो ही गया हूँ। किसी ने अगर बाइबल पढ़ लिया तो वो सोचता है कि ईसा मसीह मुझसे ज़्यादा वो जानता है। ये जो बौद्धिक पकड़ हमारे अंदर आ जाती है उससे और भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं। सारा ईसाई धर्म जो है आज इस बौद्धिक पकड़ की वजह से खत्म हो चुका है। आप देख लीजिए कि बौद्धिक पकड़ इनमें किस प्रकार आई, कि जिस वक्त में ईसा मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने यही कहा कि अपना पुनर्जन्म करो,
तब निकटवस ने कहा कि क्या मैं अपने माँ के गर्भ में फिर से प्रवेश करूं? उनका कि नहीं, जो गर्भ से पैदा होता है वो तो जड़ ही है, लेकिन जो आत्मा से, जो आदिशक्ति से पैदा होगा वही आत्मा है, और आत्मा की पकड़ आए बगैर आप परमात्मा को नहीं जान सकते। लेकिन इन लोगों ने ये सोचा कि ये तो कुछ समझ में नहीं आई बात, क्योंकि उनमें से किसी को भी साक्षात्कार देना नहीं आता था। बहरहाल नहीं भी आता था तो भी उसका इतना बुद्धि का झमेला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बुद्धि का ऐसा झमेला बनाया कि एक सेंट पॉल करके इंसान, जो कि ईसा धर्म से कुछ उसका संबंध नहीं था, उसने ईसा को देखा नहीं था, और वो खुद एपिलेप्टिक थे और बीमार रहते थे, और हमारे हिसाब से उनमें कुछ सुपरा कॉन्शियस तकलीफें थी, वो साहब बाइबल में आके बैठ गए। जिस वक्त मैंने पहले बाइबल उठाया, मैंने कहा ये महाशय है कौन? मैंने नहीं, खलील जिब्रान ने, कितने ही लोगों ने, यानी आप जानते होंगे कि विलियम ब्लेक एक बड़े भारी दृष्टा हो गए, उन्होंने तक कहा कि ये इंसान बाइबल में क्यों बैठा हुआ, और इसको बाइबल में बिठा करके उसने जो भी बाइबल के बारे में लिखा वो इन लोगों ने मान्य कर दिया। अब उसकी हालत यहाँ पर आ गई है कि जिस वक्त में एक बुद्धिवादी महाशय जी ने बाइबल को जाना तो देखा कि पॉल ने ईसा के जन्म के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, उसकी माँ के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, उन्होंने जो चमत्कार किए उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो इनके जो शिष्य थे वो तो फिशरमैन थे, ये मछलियाँ पकड़ते थे, मच्छी मार थे, इनके कोई अकल ही नहीं थी, उन्होंने अपने ही दिमाग से निकाल करके ये बात लिखी। और इस बात को बिशप ऑफ कैंटरबरी, जो है आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी, उसको भी सहायता देनी पड़ी, उसको भी कहना पड़ा कि हाँ ये ठीक है, तो या तो अब आप पॉल को मानिए या ईसा को मानिए। उन्होंने कह दिया कि हाँ यही बात ठीक है, तो ईसा जो पैदा हुए थे वो भी गलत बात, और उनके जो चमत्कार हुए थे वो भी गलत बात है, पॉल साहब जो है वो सही हो गए, क्योंकि इसी पॉल ने बाद में ऑगस्टीन का जन्म लिया और उसने आकर के सारा ऐसा एक बौद्धिक तार्किक एक ईसाई धर्म बना दिया कि चाहे कुछ हो, हाथ में बंदूक क्यों ना लेनी पड़े, सबको ईसाई बनाते रहे। ईसाई बनने का मतलब है सहयोगी बनना, योगी बनना, वही आप मुसलमानों का। मोहम्मद साहब ने जो बातें लिखी थी उसको इतना उल्टा घुमा फिरा करके एक मुसलमान धर्म बना लिया, वही हाल हिंदुओं का है। हिंदुओं का तो हाल बहुत ही खराब है, क्योंकि इनमें एक ही धर्म में 50 धर्म बन गए। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि हम लोग कब इस चीज़ से बाज आएंगे। सबसे पहली तो बात ये थी कि कहा गया है कि सबके अंदर आत्मा का वास है, फिर जाति पाति कहाँ से निकाली गई? जाति पाति का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि जाति पाति आपके कर्म के अनुसार बनाई गई थी, और जब से ये जन्म के अनुसार बनाई गई तब से ये गड़बड़ शुरू हो।